ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे हरियाणा में सीईटी की कैटेगरी वाइज कितने कितने जो है फॉर्म इसके फिलअप हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप, ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए युवाओं ने जमा कराई 39 करोड़ रुपए की फीस एक पद के लिए 20 कतार में, यानी कि एक सीट है और 20 बंदे हैं लेने वाले, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग एक कमरे में से एक का सिलेक्शन होने की उम्मीद है, ठीक है। तो ग्रुप सी के 26,000 पदों का शेड्यूल हो चुका जारी और ग्रुप डी के संभावित 30,000 पदों का बाकी, तो यानी कि 56,000 पद इस तरह से ये बन रहे हैं, बाकी देखते हैं अंत में कितने होते हैं कितने नहीं, ये ठीक है। और अब जो है सीटी में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होगी, परीक्षा का इंतज़ार 11.32 लाख युवाओं ने किया है इसके लिए आवेदन, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने आवेदन हुए हैं, किस पद के लिए युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। तो ग्रुप सी के लिए अकेला 42,000 पदों 42,000 कैंडिडेट हैं, सिर्फ उन्होंने ग्रुप सी के लिए किया। ग्रुप डी के लिए 15,000 ने और दोनों के लिए किया 10,74,000 ने, ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में कितने इनके 99,000, यानी कि जो EWS के कैंडिडेट हैं उन्होंने किया भाई 99, यानी कि 1 लाख ने मान लो, ठीक है, 11-12 लाख में से 1 लाख EWS कैटेगरी के हैं। और आगे है फिर, अगर पुरुष की बात करें तो 7 लाख और महिला की बात करें तो 4.5 लाख, और दिव्यांग की जो हैंडीकैप है वो 9,000, आर्थिक रूप से बता दिया भाई, विधवा है 2,300, ऑर्फन है 47,000, डिनोटिफाइड ट्राइब के हैं 18,000, SC वर्ग के हैं 2,58,000, BC वर्ग के हैं 3,70,000, एक्स सर्विस मैन है 9,000 और स्पोर्ट्स पर्सन है 7,000, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा डाटा है। तो परीक्षा को एक ही शिफ्ट में लेकर पेंच जो है फंसा, अभी तक परीक्षा एक दिन में या 2-3 दिन में करवाने पर पेंच फंसा हुआ। आयोग की तैयारी 2 दिन में 4 शिफ्टों में करवाने की थी, 2 दिन में 4 शिफ्ट में, लेकिन NTA एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में परीक्षा कराना चाहता है। NTA कह रहा कि एक ही शिफ्ट हो जाए भाई, कोई नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं लगा, सीधा एक ही शिफ्ट में मारो। इसके लिए हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा आदि में भी परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार सत्र पर यह फैसला नहीं हुआ है कि दूसरे राज्यों में परीक्षा कराई जाए या नहीं, क्योंकि आयोग की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को इस अवधि में परीक्षा को लेकर चिट्ठी लिख रखी है, ठीक है। तो अभी भी 3.4% की फीस पेंडिंग, यानी कि 3% लोग जो हैं फीस अपनी फिलअप नहीं कर पाई या उन्होंने की नहीं, ठीक है। तो पूरा डाटा अब जो है ये NTA के पास भेज दिया जाएगा।